अब कतने छो वो तो हम बोले ना पारो बाबा अब कतने छो वो तो हम बोले ना पारो बाबा इसके अकाउंट में 75 करोड़ 28 लाख कुछ है। कहते हैं ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, वाकई में ऐसा हुआ भी है। बस ये रुपए छप्पर में नहीं बल्कि पेंशन खाते में बरसे हैं। और यह करिश्मा दुमका के जरमुंडी प्रखंड के रूपसागर गांव के झोपड़ी में रहने वाले फूलो राय के साथ हुआ है। फूलो राय रातों रात करोड़पति बन गए हैं। इस गरीब के खाते में अचानक 75 करोड़ रुपए आ गए, जिसे देखकर वह भी हैरान व परेशान है। अब कतने छो वो तो हम बोले न पारो बाबा। तो कह रंग पता चल रहा तुरा पता ये हमें पता लगे देखो तो हम की जान गए पैसा निकाले गए की हाँ निकाल तो गल चल हमें अपना अपना पेंशन पैसा चेक करवा गए बाबा तब जगह कैसे इतना पैसा घुस लो तो हमारा हमें जान ये न सुनिए जो की कतने पैसा हम ख्याल निकल बाबा जुटे बात नहीं तब याल खाल न बोलते ठीक है तब 10,000 उठा लो। बुजुर्ग को इस करिश्मे की खबर तब मिली जब सीएसपी संचालक से 10,000 रुपए की निकासी कराई, लेकिन जब सीएसपी संचालक ने बचे हुए बैलेंस की राशि में शून्य की संख्या देखी तो उसका दिमाग चकरा गया। लोगों का मामला यही है कि ये वृद्धा पेंशन उठाने के लिए बेल्हा में गए हुए थे, जो सीएसपी है जेआरजेबी का, इससे पूछा गया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इनके पास ज्ञान भी नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन एक दिन बाद हमको जानकारी मिला कि इसके अकाउंट में 75 करोड़ 28 लाख कुछ है। एक दिन बाद जानकारी हुआ, जब उसको पूछे कि इसको पैसा दिया क्यों नहीं अभी तक, बोला कि एक दो दिन के बाद हम इसको पैसा दे देंगे, मेरा आईडी में ही पैसा है। वहीं अब जब फूलो राय किसी दूसरे सीएसपी पर खाता चेक करवाया तो पाया कि खाते में 5 करोड़ की राशि है, बाकी के 70 करोड़ की निकासी हो गई है। पैसा निकासी करने के लाया तो मैंने उसका बैलेंस देखे, 0 दिखाया। उसके बाद मैंने उसका मिनी स्टेटमेंट चेक किए तो उसमें उसका 29,000 ही बैलेंस शो कर रहा था। उसने बोला बाबा मेरा 10,000 निकाल दीजिए। हमने बोले कि आपका इंदिरा आवास का है, बोला नहीं हमको 10,000 निकाल दीजिए। तो हमने 10,000 जब पैसा निकालना शुरू किए, जब उनको 10,000 पैसा निकासी किए तो उसको बैलेंस शेष बैलेंस में 5,53,00,000 रुपया का कुछ लमसम दिखाया। तो हमने उसको 10,000 रुपया दे दिए और स्लिप भी दे दिए और बोले बाबा आप चले जाइए, अब मेरे यहाँ पास निकासी नहीं होगा। मेरे पास यही हुआ था और हमने उसको 10,000 दे करके भेज दिए। क्या अनुभव आपका बता रहा है? देखिए मेरे पास तो वो गरीब आदमी है, वो 10 मात्र 1,000 का ही लेन देन करता था, ज़्यादा तो था नहीं। और जब मैंने उसका अकाउंट में देखे कितना बैलेंस घुसा तो हम भी अचोक गए। हम भी बोले यह पैसा कहाँ से आया, ब्रांच से संपर्क कीजिए और ब्रांच से ही जाकर के इसके बारे में जानकारी दीजिए। टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़ी पत्नी और दिव्यांग पुत्र के 4 बच्चों के परिवार के साथ तंगहाली की जिंदगी जी रहे फूलो राय का परिवार इस धन वर्षा से सहमे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसके खाते में इतने रुपए कहां से और कैसे आ गए। इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जरमुंडी में राय की नारी शाखा के प्रभारी शाखा प्रबंधक प्रवीर चंद्र घोष का कहना है कि फूलो राय का बैंक खाता लेन देन के अभाव में निष्क्रिय पड़ा हुआ है। बैंक के खाते में इतनी राशि होने की जानकारी अभी तक नहीं है। इस संदर्भ में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बैंक के अकाउंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसा अकाउंट था वो? वो कौन सा अकाउंट था? ये तो वही बताए, उन्होंने सिर्फ अपने केसीसी अकाउंट से ही विड्रॉ किया है। उस सीएसपी में उसका निकला कि उसके खाते में अवैध रूप से, या कहां से कैसे आया 75 करोड़ रुपए शो कर रहा है? इस पर कैसे जिस बैंक के सीएसपी से ट्रांजैक्शन हुआ वो बैंक ही उसको क्लियर कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी आपका सिस्टम में उसका कोई पैसा कुछ नहीं है? दोनों अकाउंट में किसी में नहीं? किसी में नहीं है। सर नाम बता देंगे? मेरा नाम पीसी घोष। पोस्ट कौन? ब्रांच मैनेजर। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।